हेलो देयर, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं? आपका आंसर होगा सर तीन फॉर्म। अच्छा, किसी बच्चे का भी पता है पांच फॉर्म भी हो सकता है। कैसे सर? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो देखो, जब भी आपसे कोई पूछे वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं तो आपको कहना होगा सर तीन, बाकी दो तो उनसे डिराइव्ड होते हैं, जो आप उसको वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलते हैं या वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, वो डिराइव्ड होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपने बचपन से पढ़ा होगा। लेकिन क्या हो, मैं आपसे कहूं कि कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके चार फॉर्म होते हैं। यस, यू हर्ड राइट, कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके चार फॉर्म्स होते हैं, वह मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। कम डियर, सो जैसा हम बात कर रहे थे कि वर्ब्स के तीन फॉर्म होते हैं, और मैंने कहा कि नहीं नहीं कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिसके चार फॉर्म होते हैं, तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। पहला वर्ब हमारे पास ब्रेक, तो ब्रेक का फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक, सेकेंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है सिंक, सैंक, संक, तीन फॉर्म हो गया। चलिए, अच्छा आपको पता है ना कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसको हम कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, इसको पार्टिसिपल बोलते हैं हम लोग। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लोग कभी कभी एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव की तरह यूज करने का मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं से नाउन को डिस्क्राइब करेगा ना। आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव ब्रोकन अ चेयर, तो आप यह बताइए ये जो ब्रोकन है ब्रेक का थर्ड फॉर्म किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का या वर्ब का? तो हम यह देखेंगे हैव जो यहां पे है हेल्पिंग वर्ब है, और ब्रोकन हमारा क्या है मेन वर्ब, क्योंकि यहां पे एक्शन दिखा रहा है कि मैंने एक चेयर तोड़ दिया है, ये एक्शन दिखा रहा है। तो यहां पे जो ब्रोकन है यह वर्ब की तरह काम करेगा, राइट। अब आते हैं सेकेंड में, सेकेंड सेंटेंस क्या कर रहा है, आई हैव अ ब्रोकन चेयर। आपने देखा जस्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला सेंटेंस में ए को मैंने बस आगे कर दिया, तो अब इसका मतलब ही चेंज हो गया। यह कह रहा है आई हैव अ ब्रोकन चेयर, इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक टूटी हुई चेयर है, इसमें कहीं से भी एक्शन नहीं है। इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें स्टेट दिखा रहा है, किसकी, चेयर की। चेयर हमारे पास नाउन है, क्यों नाउन है, तो अ लगा है आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। अब देखते हैं यह जो ब्रोकन है किसका काम कर रहा है, क्या एक्शन दिखा रहा है इसमें, नहीं, या तो चेयर का कंडीशन बता रहा है, स्टेट बता रहा है। तो चेयर है नाउन, और जो नाउन में ऐड करता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो हमने क्या देखा, यहां पे जो ब्रोकन है वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यहां पे जो ब्रोकन है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी यह वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है आपका कभी कभी वर्ब की तरह काम करेगा और कभी कभी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। यह क्लियर हो गया ना। अब आते हैं इसमें सिंक मतलब डूबना, सिंक, सैंक, संक, इसमें देखते हैं। दे हैव डैश द बोट, उन्होंने बोट को क्या कर दिया, डुबा दिया, सिंक। तो सिंक का कौन सा फॉर्म लगेगा, हैव के बाद कौन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, हैश हुआ, हैव हुआ या हैड हुआ, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो सिंक का थर्ड फॉर्म क्या है, संक। ठीक है, अच्छा यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, तो मेन वर्ब की तरह, और यह तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन अब आते हैं द डैश बोट वॉज डिस्कवर्ड, कि डूबा हुआ बोट डिस्कवर हो गया, इसका आंसर क्या होगा, आप यहां पे क्या चाहिए आपका, ये बोट आपका क्या है, नाउन है ना, तो नाउन के लिए क्या चाहिए आपको, एडजेक्टिव। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह, हमने क्या लिख दिया, संग। लेकिन यह आपका गलत है, क्यों, क्योंकि इस वर्ब का चार फॉर्म होता है, चौथा फॉर्म क्या होता है, संकेन, क्या होता है, संकेन। और यह जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है यह यही सिर्फ एडजेक्टिव के लिए ये यूज होगा। तो यहां पे आपको क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा बताइए, संकेन, ये हो गया। यानी कि कुल मिलाजुला के हमारे पास 10 ऐसे वर्ब्स हैं जिसके चार फॉर्म होते हैं, और उस चौथे फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव में यूज करते हैं, उसको हम लोग वर्ब में यूज नहीं करते हैं।
क्लियर है? थैंक यू।